6, 15 या 24 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर अ नंबर 6 एंड यू नो वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स, वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये मंथ इज रूल्ड बाय शुक्र. शुक्र यानी वीनस, द प्लैनेट ऑफ गिविंग गुड थिंग्स टू यू. ये कलयुग का जमाना चल रहा है तो शुक्र का ही बोलबाला होगा. सो ऑल ऑफ यू बॉर्न अंडर दिस नंबर, यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग 3 months. आपके लिए ये सीजन तो अच्छा है ही, 6 के लिए 5 बहुत अच्छा होता है. दिस इज अ वर्गो सीजन. सितंबर इज रूल्ड बाय नंबर 5, ये भी आपके लिए अच्छा होगा. अक्टूबर इज रूल्ड बाय नंबर 6, वो तो आपका ही सीजन है. वर्गो सीजन तो आपके लिए अच्छा है ही, मगर नेक्स्ट सीजन आपका लिब्रा इज कमिंग. उसके बाद आएगा स्कॉर्पियो एंड उसके बाद आएगा सैजिटेरियन. इसका मतलब है यू हैव गॉट अ गुड 3 months प्लस टू डू व्हाट यू विश. आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय चल रहा है. मैं कहती हूँ ना 6 लकी नंबर है, लेकिन 6 लकी नंबर होने के बावजूद अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस लक का. 24th को ही जन्मे है सचिन तेंदुलकर और 24th को ही जन्मे है नीरज चोपड़ा. अब उन्होंने जो मेहनत की है उसके बगैर क्या वो इतने बड़े लेजेंड्स हो सकते थे? तो आप में से कुछ नंबर 6 मुझे कहते हो कि वी आर नॉट सो लकी, देन आई थिंक यू नीड टू ब्रश अप योर एक्टिविटी. ये 3 महीने आपकी कन्विंसिंग स्किल्स एंड चार्म विल बी ऑन एन अदर लेवल. सो एज आई सेड द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग. तो आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत बढ़ानी है. पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों जगह यू आर गोइंग टू रॉकेट. 6 नंबर के लोगों को कंट्रोल ही नहीं होता, खास करके अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई फिर वो चाहे कितनी भी महंगी हो आपको खरीदनी होती है. सो बी वेरी केयरफुल. सो जस्ट बिकॉज आपका अच्छा समय चल रहा है, डोंट गेट योर सेल्फ बैंक्रप्टेड. अगले 3 महीने आप सिर्फ खुद पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. कोई आपसे कैसे बात करता है, कोई आपको क्या कहता है, एंड आर दे रेसिप्रोकेटिंग द वे यू वॉन्ट और नो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए. यू बी योर गुड काइंड जेंटल पर्सन. मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फैशन, आर्किटेक्चर या एजुकेशन, इन फील्ड्स में अगर आप हो तो और भी अच्छा करोगे. आपके इन्वेस्टमेंट्स भी रंग लाएंगे. आपने आज तक जो मेहनत की है उसका फल आपको नेक्स्ट 2-3 months में मिल सकता है.